वेलकम बैक टू प्लैटर ऑफ टेस्ट। मैं हूं संचिता और आज है एपिसोड 2 ऑफ क्विक माइक्रोवेव एंड एयर फ्रायर सीरीज। पहले एपिसोड में आपको मैंने बताया था चिली चीज टोस्ट की रेसिपी इन एयर फ्रायर। आज हम माइक्रोवेव की रेसिपी सीखेंगे। माइक्रोवेव में आज हम बनाने वाले हैं इडली और उसको हम फ्राई करने वाले हैं एज अ स्नैक। ओके, साथ ही साथ वीडियो के एकदम एंड में मैंने आपको बताया है कितने टाइप के माइक्रोवेव सेफ इडली मोल्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वीडियो एकदम लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ कहना चाहूंगी, अगर आप मेरा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। Facebook पे देख रहे हो तो प्लीज पेज को फॉलो कर लो, दोनों ही जगह बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नए वीडियोज आने पर आप नोटिफाइड हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, क्विक सीरीज है, तो मैं यहाँ पर MTR का रेडीमेड इडली प्रीमिक्स ले रही हूँ। अगर आप ये नहीं लेना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मैंने इडली प्रीमिक्स की वीडियो डाल चुकी है, आप वो देखकर भी घर पर इडली प्रीमिक्स तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप इडली का प्रीमिक्स ले रखा है। थोड़ा थोड़ा पानी कर डालते हुए इसका हम स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं माइक्रोवेव सेफ इडली का मोल्ड ले लूँगी, क्योंकि हम आज बनाने वाले बटन इडली, तो मैंने यहाँ पे छोटा वाला मोल्ड ले रखा है। सारी कैविटीज जो हैं इसकी, उसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से। तो आप देख सकते हो इसमें मुझे दो जो है पोर्शन मिले हुए हैं। एक पोर्शन में 15 कैविटीज है, मतलब टोटल एक सांचे पे मैं 30 मिनी इडलीज एक बार में तैयार कर सकती हूँ। दैट इज ह्यूज रियली। मिनी इडलीज बन रही हैं, बटन इडलीज बन रही हैं, तो बैटर आप देख सकते हो कितना कम मैं यहाँ पर पोर कर रही हूँ। लगभग आधा चम्मच में मेरा काम चल जा रहा है और बहुत ज्यादा ऊपर तक हमें नहीं भरना है क्योंकि फूल कर थोड़ा सा ऊपर भी आएंगी इडली। तो बस इसी तरीके से नेक्स्ट वाले पोर्शन को भी ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इडली का जो बैटर है उसमें पोर कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप देख ही सकते हो, एकदम फ्लोई नहीं है और एकदम स्टिकी नहीं है इडली के बैटर की। तो ये देखिए, सारा का सारा बैटर जो है मैंने इस इडली मोल्ड में डाल दिया। अब डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, 3 से 4 चम्मच, बहुत थोड़ा सा पानी, ताकि ये स्टीम बनने में हेल्प हो जाए। ये एकदम बॉटम में हमें डालना है। यहाँ पर ये देखिए, जो ये प्लास्टिक का बॉटम था वहां पर मैंने ये थोड़ा सा पानी, आप देख सकते हो 3 से 4 चम्मच ही है, वो डाल दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे, इसकी लिड को हम बंद कर देंगे और माइक्रोवेव ऑन कर लेंगे। माइक्रोवेव में हम इसे सिर्फ 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव मोड में पकाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो कितना इजी है, 3 मिनट में आपकी इडलियां रेडी हो जाएंगी। प्रिपरेशन टाइम जो भी मैंने सिर्फ, क्योंकि मार्केट का प्रीमिक्स लिया था तो सिर्फ काटो खोलो घोलो वाला सिस्टम था, बहुत जल्दी वो भी तैयार हो गया बैटर हमारा और मुश्किल 3 से 4 मिनट हमको उसको फ्राई करने में लगेंगे। सो ये आप स्नैक जो है झटपट 10 मिनट में रेडी कर सकते हो। तो 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो इडलियां मेरी रेडी हो गई हैं, बहुत ही फ्लफी और बहुत ही प्यारी सी, छोटी छोटी सी, क्यूट सी लग रही हैं। अगर मेरा माइक्रोवेव जैसे सैमसंग का था, और माइक्रोवेव की कंपनीज में कुछ सिस्टम में डिफरेंस होता है, वॉट्स का डिफरेंस होता है, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका माइक्रोवेव किसी और कंपनी का, तो 2 मिनट बाद आप एक बार चेक कर लेना इडली। वैसे 3 से 4 मिनट में हरी माइक्रोवेव में इडली पक जाएगी। तो अभी इसको फ्राई कर लेते हैं। पैन रख लिया मैंने, 3 से 4 चम्मच डाल दिया है इसमें मैंने देसी घी, घी गरम हो गया है। अब डाल रहे हैं 1 चम्मच राई, साथ ही डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते और पोर कर देंगे ये सारी की सारी इडली पैन के अंदर। और थोड़ा सा हम डालने वाले हैं अबाउट 1/2 टीस्पून व्हाइट सेसमे सीड्स, यानी कि सफेद तिल। बहुत ही सुंदर सा टेक्सचर आ जाता है और टेस्ट भी इसका काफी बढ़ जाता है। रोस्ट कर लेते हैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए, मीडियम लो फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है, धीमी आँच से थोड़ी सी तेज समझ लो आप, बस उतना, 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए, क्योंकि कई बार ये चिपक जाती हैं तो फिर वो टेक्सचर खराब हो जाता है इडली का। तो ये देखिए इडली हमारी तैयार है, इसे सर्व कर सकते हो आप आपकी मनपसंद चटनी के साथ। मैं यहाँ पर इसे सर्व कर रही हूँ कोकोनट की चटनी, आप मूंगफली या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो और बहुत ही डिलीशियस लगती हैं खाने में। मिनटों में ये स्नैक रेडी हो गया। तो गाइस, इडली हमारी रेडी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ
कितने टाइप्स के माइक्रोवेव सेफ मोल्ड्स मार्केट में अवेलेबल है, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट टू अनदर सेगमेंट। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पर दो टाइप के माइक्रोवेव सेफ मोल्ड्स अवेलेबल हैं, दोनों ही मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जो पहला है वो आप देख सकते हो इस तरीके का प्लास्टिक मोल्ड ही है, जिसका जो कैविटी साइज है इट इज आइडियल फॉर नॉर्मल इडली साइज, जो हमारी नॉर्मल इडली होती है ना उस टाइप का साइज इसमें आएगा। प्लास्टिक का बॉटम है जिसमें आप पानी डाल सकते हो और 12 इडली आप इसमें आराम से बना सकते हो। बैटर पोर करने के बाद आपको बस इसकी लिड को इस तरीके से कवर करना है और ये जो ऊपर का छोटा सा लिड है वो ओपन कर देना है ताकि स्टीम जो है वो बाहर जा सके। तो ये एक डिफरेंस है क्योंकि इसका लिड अलग है स्टीम की आउटलेट का और कैविटी साइज अलग है। ये हमारा बटन इडली वाला मोल्ड है, सेम इसमें भी प्लास्टिक का बॉटम है जिसमें आप पानी डाल सकते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे कैविटी साइज हैं जो कि आइडियल है मिनी इडली या बटन इडली के लिए। इसमें आप 30 इडली एक बार में बना सकते हो। लिड क्लोज कर देनी है और लिड में आप देख सकते हो साइड में ऑलरेडी स्टीम के आउटलेट्स बने हुए हैं, तो आपको अलग से स्टीम का कोई भी लिड ओपन नहीं करना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप यू लाइक इट, बाय बाय।